हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं YET योर इंग्लिश ट्यूटर, जहां पे इंग्लिश को अपने डेवलप करते हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को एडिटोरियल्स को पढ़ करके बिगनर लेवल से। आज उसी कोशिश में सुबह के फर्स्ट नहीं सेकंड एडिटोरियल को हम लेंगे, कैट कनंड्रम। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एकदम नई थीम है। इस एडिटोरियल में आप अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज्ड फील करेंगे क्योंकि वोकैबुलरी रिच है और कुछ ग्रामरी कॉन्सेप्ट्स इस एडिटोरियल के दौरान हम उठाएंगे। फटाफट से शुरू करेंगे अपने यूजुअल अंदाज में, जिसके अंदर चीज़ें इजी बन जाती है, कैट कॉनंड्रम को। नए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप 10 मिनट के अंदर, सिर्फ 10 मिनट में ना, अपने अंदर से उस कॉन्फिडेंस को फील करेंगे मेरे साथ। कैट क्या होती है? बिल्ली। कॉनंड्रम क्या होती है? पहेली। देखिए, एडिटोरियल बेस्ड है टाइगर्स के ऊपर, तो टाइगर्स जो है ना वो कैट फैमिली के होते हैं। लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, सब के सब बिल्ली परिवार के हैं। तो खैर, कैट से रिलेटेड एक कॉनंड्रम आ गया है, एक पहेली आ गई है, एक पजल आ गई है, एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है। अब देखो कौन सी सिचुएशन है, मालूम चलेगा हमें इसके टाइटल पैराग्राफ से। कॉनंड्रम के सारे सिनोनिम्स को नोट कर लें, बहुत सिंपल है। पहेली के पजल बोल दो, रिडल बोल दो, मिस्ट्री बोल दो, और एक बहुत अच्छा सिनोनिम है इसका एनिग्मा। एनिग्मा, एनिग्मा हर वो चीज़ है जो मिस्टीरियस हो। एनिग्मा से ही आप बनाते हो एनिग्मेटिक, ऐसी चीज़ जो कि छिपी हो, हिडन हो, कंसील्ड हो, एनिग्मेटिक बन जाती है ना। वर्ड्स को इस तरह से रिलेट करें। कह रहे इंडिया मिसेस इट्स चीतास, बट द प्रायोरिटी मस्ट बी टू प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग स्पीसीज। कह रहे इंडिया जो है ना मिस करता है, याद करता है अपने चीतों को, लेकिन जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, जो पहली प्रेफरेंस है ना, वो होनी चाहिए मस्ट बी कि प्रिजर्व करें, बना करके रखें, सेव करें अपनी उन स्पीशीज़ को, नस्लों को जो मौजूदा हैं, एग्जिस्टिंग है, अभी अलाइव है। समझ गए? मतलब चीते तो आप मिस करते हो, लेकिन जो नस्लें अभी आपके पास जिंदा है ना, प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए उन नस्लों को प्रिजर्व करने की। अब देखो इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है। देखने वाली चीज़ ये है, आज मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को ग्रीन किया हुआ है, वर्ब्स को किया हुआ है पिंक। एक्चुअल में ये भी वर्ब है ना, मस्ट बी, जस्ट अ मिनट, है ना। तो आपको ग्रीन और पिंक से मालूम चल जाएगा पूरे एडिटोरियल में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी वर्ब है। ये ब्लू वाले क्या हैं, सॉरी येलो वाले हैं स्पेशल वर्ड्स जिनके मैंने साथ साथ मीनिंग लिखे हैं ना। ये सारे मीनिंग्स आप जो है ना ले सकते हैं। इसको कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन में जाएं वीडियो की, सबसे पहला जो लिंक पड़ा है ना वहाँ पे ये PDF पड़ी है। इस PDF को डाउनलोड करें, उसके बाद इसको अगर आप एंड्रॉयड चलाते हैं तो WPS ऑफिस नाम की ऐप में खोलें। जैसे ही आप उस ऐप में खोलेंगे ना, किसी भी वर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे नोट्स है ना पॉपअप में निकलेंगे, इस तरह से सारे मीनिंग्स निकल करके आ जाएंगे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। साथ में इसके क्विज है उसी ऐप के अंदर, सॉरी उसी डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर। इसके बाद में क्विज जो है 5-6 क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। शाम को प्रोबेबली 8 बजे मैं वीडियो को अपलोड करूंगा, उस क्विज को सॉल्व करवाऊंगा आपके सामने, ठीक है। चलिए, इंडिया मिसेज, ये इसकी वर्ब। प्रायोरिटी मस्ट बी, ये इसकी वर्ब। अब ये मस्ट बी को देख लो आप, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है, मस्ट मतलब चाहिए चाहिए और बी मतलब होना। जब कोई चीज़ होनी ही चाहिए ना, तब आप कहते हो मस्ट बी। देखो मैं कह दूंगा, आवर गोल मस्ट बी टू वर्क स्मार्टर। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम स्मार्ट वर्क करें, है ना। हार्ड वर्क तो करें, साथ में स्मार्ट होकर के वर्क करें। आवर गोल मस्ट बी टू वर्क स्मार्टर। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से बोलूँ, ही मस्ट बी अ टीचर। मैंने किसी आदमी को देखा, उसके पास एक जो बुक्स थी बहुत सारी, आसपास बच्चे थे, है ना। तो मैंने बोला, यार ये तो टीचर लगता है। तो मैं उसको कैसे बोलूँगा, ही मस्ट बी अ टीचर, जरूरी वो एक टीचर है, है ना, ऐसा आप इसको बोलेंगे। शी मस्ट बी वेरी रिच, जरूरी वो बहुत अमीर है। तो आप मस्ट बी को दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक तो पहली चीज़ ऐसे कि ये चीज़ होनी ही चाहिए, और दूसरी चीज़ ऐसे कि वो इंसान ये होना ही चाहिए। ही मस्ट बी अ टीचर, शी मस्ट बी वेरी रिच। नोट डाउन करें, बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है। छोटी सी एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। अभी अपने एक ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर बाहर से टाइगर चीता आ रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, है ना, चीता। तो चीता जाने के कारण क्या हो रहा है, अपने देश का नेशनल प्राइड था चीता हुआ करता था, बाद में वो ख़त्म हो गए। तो सबको मज़ा आएगा, वाइल्ड लाइफ लवर्स को। अपना एडिटोरियल कह रहा है अच्छी बात है आप चीते ला रहे हो, पर चीते लाने के बाद जो वाइल्ड लाइफ पे इसका इम्पैक्ट आएगा ना, क्योंकि आपके जंगल में जो है शेर भी है, पहले से लेपर्ड्स भी हैं, टाइगर्स भी हैं, उनको भी खाना चाहिए। तो ऐसा ना हो चीता आने के बाद
उनका खाना कम हो जाए। आपको जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है ना उनको नहीं भूल जाना है, जो अभी जिंदा है पहले उनका भी ध्यान रखो, उसके बाद चीते को अकोमोडेट करो। साथ ही इसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसके कारण चीता पहले जो है इरेडिकेट हुआ था, एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ गया था। उसने बताया इस बार वैसा मत करना, फिर से चीते गायब ना हो जाएं आपके, बार बार नहीं ला पाओगे आप इन चीतों को। शुरू कर दें फटाफट से, ज़रूर से क्विज को सॉल्व करें, फिर इस एडिटोरियल को मेरे साथ पढ़ें, आपका कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस एरर करेक्शन, क्लोज टेस्ट सब अच्छा हो जाएगा। शाम को 8 बजे वीडियो अपलोड करूंगा मैं क्विज के सॉल्यूशन की। करे द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इनेबलिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक चीतास टू एन इंडियन हैबिटेट ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस हैज नेचुरली लेड टू रिन्यूड एंथुजियाज्म अमंग वाइल्ड लाइफ लवर्स। अब यहां लग गया कॉमा, कॉमा से पहले वाला पढ़ लेते हैं फिर बाद में पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट जो है ना, हमारी द लगेगा इनके आगे, इनका जो ऑर्डर है ना, और कौन सा ऑर्डर, इनेबल करने वाला, इनेबलिंग, जिसने इनेबल कर दिया इंट्रोडक्शन को, और किनका इंट्रोडक्शन, कह रहे एक्सोटिक चीतास का, ऐसे चीता जो बाहर से आएंगे, एक्सोटिक मतलब विदेशी, ठीक है, और कहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन, एक इंडियन हैबिटेट में, एक भारत के ऐसे एरिया के अंदर, और कैसा कैसे करेंगे, ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, एक ऐसे बेसिस पे अभी जो एक्सपेरिमेंट की कगार पे है, मतलब प्रयोगात्मक बेसिस के ऊपर। कह रहा है ये ऑर्डर है ना, अब इसकी वर्ब आ गई हैज, ये ऑर्डर जो हैज क्या कर चुका है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से लेड टू, हमें ले गया, और कहाँ ले गया, रिन्यूड एंथुजियाज्म की तरफ ले गया, ऐसे जोश की तरफ जो फिर से जो है जिंदा, फिर से जिंदा होने वाला जोश, रिन्यूड है ना, और किनके बीच, अमंग वाइल्ड लाइफ लवर्स, ऐसे लोगों के बीच जो वाइल्ड लाइफ जंगलों को लवर्स हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। इतना पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा हु सी, जो कि देखते हैं, कौन, वाइल्ड लाइफ लवर्स की बात हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाया है, जो कि देखते हैं इन इट, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर, अ पोटेंशियल बुलवॉक, एक ऐसा संभावित बांध, एक ऐसा संभावित सहारा, बुलवॉक, और बांध सहारा किसके खिलाफ, अगेंस्ट क्रीपिंग प्रेशर्स ऑन हैबिटेंट्स, ऐसा प्रेशर जो इनहैबिटेंट्स पे आ रहा है, इन इलाकों पे आ रहा है, और बड़ा क्रीपिंग है, जो धीरे 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 फैलता जा रहा है। सेंटेंस अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया दूसरा क्लोज जुड़ने के बाद, एक बार मैं सारा पूरा एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर अंदर की चीज़ों में घुसेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इनेबल करने वाला, इंट्रोडक्शन को विदेशी चीतों का भारत के एक हैबिटेट में, एक एरिया के अंदर, हैबिटेट मतलब एक एरिया, और एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, मतलब 10-20 ले आओ अभी, देख लो आगे क्या होगा, फिर उसके बाद मंगाना 500, एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, ये ऑर्डर हमें नेचुरली लीड करके ले गया, आगे ले गया एक ऐसे गर्म जोशी की तरफ, एंथुसियाज्म की तरफ, जो है रिन्यूड, फिर से जो है जिंदा हुआ है, और अमंग हुआ है ये वाइल्ड लाइफ लवर्स के, जो कि इस ऑर्डर में देखते हैं एक पोटेंशियल, एक संभावित बुलवॉक को, सहारे को, या बांध को, और किसके खिलाफ, उस प्रेशर के खिलाफ ये बांध है, सहारा है, जो कि बड़ा क्रीपिंग है, जो कि धीरे धीरे फैलता जा रहा है इन हैबिटेट्स के ऊपर, इन इलाकों के ऊपर, समझ गए। अब ये प्रेशर क्या है ना, ये आप आगे देखोगे, अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ। एक्सोटिक क्या होती है, फॉरेन बोल दो, विदेशी बोल दो, एलियन बोल दो। एलियन देखो, वैसे तो आप बोलते हो ना वो मंगल से आया तो एलियन है, वो एलियन तो होता ही है, पर एलियन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, जो आपका नहीं हो पर आया हो वो एलियन होता है ना। तो जरूरी नहीं है आप, कोई आपके यहाँ से कोई बांग्लादेश है ना, वो भी एलियन है आपके लिए, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया ऑर्डर, वर्ब आ गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लेड टू, देख रहे हो ना, फिर सब्जेक्ट आ गया हु रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी वर्ब आ गई सी, इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। क्रीपिंग कौन सी चीज़ है, जो चीज़ धीरे धीरे फैलती है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ ये क्रीपिंग क्यों लिखा हुआ है, आपको उसको याद करना है। तुम देखो, क्रीप करने का मतलब होता है पेट के बल सरकना, अगर आप पेट के बल सरकोगे ना तो आप धीरे धीरे सरक पाओगे, तेज तो सरक नहीं पाओगे, इसलिए आपको मैं क्रॉलिंग भी बोल सकता हूँ। और आप क्रीपिंग जब होते हो तब बड़े अजीब से होते हो, इसलिए अजीब आदमी को भी अपने क्रीप बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ही इज़ ए क्रीप। अब ऐसा नहीं हो पेट के बल सरकता है, मतलब वो अजीब सा आदमी है, वो सरकने वाली, पेट पे सरकने वाली चीज़ की तरह अजीब है वो भी, है ना। तो क्रीपिंग मतलब एक ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे फैलती हो, बड़ी अजीब हो, या पेट के बल सरकती हो, तीनों चीज़ों के लिए मैं क्रीपिंग वर्ड को यूज़ कर दूंगा। एक वर्ड तीन काम, बुलवॉक क्या होता है, बांध, सहारा, तो मैं सपोर्ट बोल दूं, बोल्स्टर बोल दूं, प्रोटेक्शन बोल दूं। अब देखो अच्छे वर्ड्स आगे, मेन, स्टे, सबसे मुख्य, आधार,
मेन स्टे, समझ गए, मेन स्टे मतलब सबसे मुख्य आधार सारा हो गया, और लास्ट में है रैम्पार्ट। ये मेन स्टे और रैम्पार्ट मैंने 2016 या 17 के एसएससी एग्जाम में मैं देख रहा था, प्रीवियस पेपर्स को, वहाँ पे वर्ड मैंने देखा। रैम्पार्ट होती है किले की दीवार, वो भी प्रोटेक्शन होती है, सारा होती है, यहीं से ही वर्ड निकलते हैं मेरे भाई, ध्यान कर लो थोड़ा सा, वोकैबुलरी आपकी यहीं पर पूरी हो जाएगी, थोड़े नोट्स आप बना लोगे तो। बड़े आगे कह रहे एज अ ग्रेसफुल एनिमल, एक बड़े ग्रेसफुल गरिमापूर्ण जानवर की तरह, दैट वॉज हंटेड, जो कि हंट किया गया पैसिव वॉइस में, जिसको शिकार किया गया, एंड एक्सट्रिपेटेड इन द कंट्री, और जिसको जड़ से उखाड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया इस देश के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर। कह रहे ऐसे ग्रेसफुल एनिमल की तरह है द कैट, अब ये द कैट किसके लिए लगा है, हम लगा रहे हैं चीता के लिए। कह रहे ये जो बिल्ली है ना, खास बिल्ली चीता नाम की, कह रहे हैज पीरियोडिकली इंस्पायर्ड कैंपेन्स, ये बार बार है ना, हर थोड़े वक्त से प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है, धक्का देती है कैंपेन्स को, अभियानों को, और क्यों, फॉर ए फ्रेश इंट्रोडक्शन मेनली इंस्पायर्ड बाय द नेशनलिस्टिक सेंस ऑफ लॉस, एक फ्रेश इंट्रोडक्शन के लिए, एक ताज़ा इंट्रोडक्शन के लिए, फिर से कहीं से हमें ले आओ, है ना, और कैसे हो इंट्रोडक्शन, ये हो जो मेनली इंस्पायर्ड बाय हो, प्रेरित हो ऐसे सेंस से जो कि लॉस का है, कमी का है, और है नेशनलिस्टिक मतलब राष्ट्रवादी, है ना, मतलब हमारे देश में भारत का चीता गायब हो गया, भारत के चीते को लेकर के आओ कहीं से अफ्रीका से जाकर के, समझ रहे हो, नेशनलिस्टिक सेंस ऑफ लॉस है, यही इंस्पायर करता है इन कैंपेन्स को, पीरियोडिकली ये कैट ऐसा काम करती है। सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब, दो वर्ब्स हैं इसकी, रिलेटिव प्रोनाउन दैट की, पहली वॉज हंटेड, दूसरी वॉज एक्सट्रापेटेड, यहाँ पे वॉज निकाल दिया गया है क्योंकि बीच में एंड कंजंक्शन लगी है। फिर सब्जेक्ट आया कैट, इसकी वर्ब आ गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज इंस्पायर्ड, है ना। चलिए बढ़ते हैं, नेशनलिस्टिक वर्ड को नोट करें, जो नेशनल हो, राष्ट्रवादी हो, देशभक्ति की बात करता हूँ, नेशनलिस्टिक। कह रहा रिमार्केबली, बड़ी रिमार्केबली बात है, बड़ी नोटवर्दी बात है, ध्यान में लेने वाली बात है, द एंटिक्विटी ऑफ द हाई स्पीड हंटर that formed part of Mughal hunting groups has been a matter of scientific debate. कह रहे जो antiquity है ना, antiquity क्या होती है, किसी चीज़ की पुराने होने की quality, antique क्या होता है, पुराना piece, antique piece मतलब पुराना piece, antiquity क्या हुई, किसी चीज़ की oldness। कह रहे note करने वाली बात यह है, इसकी जो oldness है ना, अब किसकी, off लगा के बताएगा, ये तेज भागने वाले शिकारी की, चीता तो सबसे तेज भागता है, तो हाई स्पीड हंटर की। और कह रहे दैट फॉर्म्ड, जिसने फॉर्म किया, बनाया किसको, पार्ट ऑफ मुगल हंटिंग ग्रुप्स को, ऐसे हंटिंग ग्रुप्स को, शिकारी ग्रुप्स को जो थे पार्ट थे मुगल के, मतलब मुगलों ने इसका बड़ा शिकार किया है ना। कह रहा है ये जो एंटिक्विटी है ना, हैज बीन, ये रही है एक मुद्दा, मैटर साइंटिफिक वैज्ञानिक डिबेट का, बहस का। कह रहा है कैसे, विद मच लिटरेचर ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ एशियाटिक चीतास टू अबाउट 2 लाख ईयर्स अगो, साथ ही बहुत सारी लिटरेचर के ट्रेस करने के, ढूंढने के, इसके ओरिजिन को, इसके पैदा होने को, एशियाटिक चीता, किसका ओरिजिन, एशियाटिक चीता का 2 लाख साल पहले। कह रहा है इसके साथ ही है ना, ये जो है साइंटिफिक डिबेट बनी हुई है। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है, एंड वन रीसेंट हाइपोथेसिस आर्ग्यूइंग, और एक हाल की जो हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है, आर्ग्यू कर रही है, और क्या कर रही है, इन कॉन्ट्रास्ट, इससे बिल्कुल उल्टा, दैट ये कि इट अपीयर्स टू बी, ये ऐसी होती हुई दिखाई देती है, क्या, अ रिलेटिवली मॉडर्न एलियन इम्पोर्ट टू इंडिया, एक तुलनात्मक रूप से अभी अभी मॉडर्न आधुनिक एलियन मतलब विदेशी, इम्पोर्ट मतलब आयात इंडिया के लिए। अब देखो सेंटेंस थोड़ा लंबा है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दोनों चीज़ें मैं मान लेता हूँ, पर आप इसको मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ लंबे सेंटेंस को, रिमार्केबल बात यह है कि जो इसकी ओल्डनेस है, इस तेज भागने वाले शिकारी की, जिसने बनाया एक हिस्से को मुगलों के हंटिंग ग्रुप्स का, मुगल जो है मेनली इसी का हंट करते थे। कह रहा है ये जो एंटिक्विटी है ना, ये रही है एक मैटर, एक मुद्दा वैज्ञानिक बहस का। अब क्यों बहस रही है, बहस होगी दो बातों से, तो पहली बात यह है, ज़्यादातर लिटरेचर ट्रेस कर रही है इसके ओरिजिन को, इसके सोर्स को, चीते कहाँ से आए थे। कह रहा है इसके सोर्स जो एशियाटिक चाइना का, जो चीता का है, 2 लाख साल पहले, है ना, 2 लाख साल पहले इसका सोर्स बता रही है इंडिया में। और कह रहा है एक रीसेंट हाल की जो हाइपोथेसिस है ना, वो आर्ग्यू ये करती है, परिकल्पना ये करती है आर्ग्यू, कि इन कॉन्ट्रास्ट, इससे बिल्कुल उल्टा ऐसा दिखाई देता है, क्या, ये है एक रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से आधुनिक
विदेशी आयात इंडिया के लिए। तो एक ने तो बता दिया बहुत सारी लिटरेचर की 200,000 साल पहले से इंडिया में है और मुगल इसका शिकार करते आ रहे हैं और इसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। दूसरी एक हाइपोथेसिस ये करी है कि ये जो है ना अभी अभी इंडिया के अंदर आए हैं, पिछले 10-5 हज़ार साल के अंदर ही इंडिया के अंदर आए हैं, तो रिलेटिवली मॉडर्न है कॉम्पोर्ड इंडिया के लिए। अब वर्ड्स को नोट कर लो, देखो पहले तो सब्जेक्ट वर्ब मिला लेना, उसके बाद वर्ड वर्ड देखना, एंटीक्विटी और हैज़ बीन, दैट और फॉर्म्ड, है ना, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब। अपीयर वाला आपको मैंने कई बार बता दिया, सीम्स टू बी प्लस वर्ब की आईएमजी, सीम्स टू प्लस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बता चुका हूँ ना 3-4 बार, अगर नहीं देखा है तो अलग से एक वीडियो बनाइए 5 मिनट की, डाल देता हूँ यहाँ, देख लेना। आगे बढ़ते हैं, एलियन जानते हैं, विदेशी, इम्पोर्ट होता है आयात। कह रहा विद अ ग्रुप सर्वाइविंग इन ईरान, के साथ ही एक ग्रुप के सर्वाइव करने के, जिंदा रहने के ईरान के साथ, ईरान के अंदर, कह रहा इसके साथ ही देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट, वहाँ पे इंटरेस्ट है, रुचि है, ग्रो होती हुई, बहुत बढ़ती हुई, किस बारे में, इन प्रिजर्विंग, प्रिजर्व करने के बारे में, द एशियन पॉपुलेशन, इस एशियन पॉपुलेशन को, समझ गए, मतलब ईरान, एशिया में सिर्फ ईरान के अंदर एक ग्रुप बचा है इसका, तो इंटरेस्ट सबका बढ़ रहा है कि एशिया में इसकी पॉपुलेशन को प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए, बचा करके सेव किया जाए, रखा जाए, है ना। प्रिजर्व वर्ड तो आप समझ गए ना, आप अगर अपने फ्रिज में रात की बची हुई दाल रखते हैं ना, तो आप उसको प्रिजर्व करते हैं, क्यों, सुबह में खा सकूं, ख़राब ना हो, तो इसी को कहते हैं प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को बचा करके सेव करके रखना। चलिए, कह रहे वट एवर इट्स ओरिजिन्स, कह रहे जो भी इसके ओरिजिन हो, जहाँ से भी ये चीता आया हो, है ना, वट एवर, चाहे जो भी हो, कह रहा इट इज़ इलॉजिकल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी, बिल्कुल लॉजिक से बाहर की बात हो जाएगी, टू एक्सपेक्ट, आशा कर लेना, दैट वो ये कि अ न्यू पॉपुलेशन, एक नई आबादी, वेदर फ्रॉम अफ्रीका और ईरान, चाहे वो अफ्रीका से आए चाहे ईरान से आए, कह रहे एक नई आबादी विल फेयर बेटर, वो अच्छा परफॉर्म करेगी, वो और अच्छे बेहतरी से कुछ काम करके दिखाएगी, टुडे आज देन बजाय इन द पास्ट, पास्ट के अंदर, कह रहे कुछ भी कह लो तुम, पर ये बिल्कुल गलत बात है अगर तुम ये कह दो कि अब जो 20 चीते इंडिया में आएंगे वो फेयर बेटर करेंगे, ज़्यादा लंबे जिएंगे और लंबी आबादी बनाएंगे, तो ये इलॉजिकल सी बात है, चाहे आप अफ्रीका से ले आओ चाहे आप ईरान से ले आओ, ऐसा जो है इलॉजिकल है। इट सब्जेक्ट इज वर्ब, है ना, पॉपुलेशन सब्जेक्ट, इसकी वर्ब होगी विल फेयर बेटर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक छोटा सा आपका आधा मिनट लूँगा टेंसेस के ऊपर, हमने पार्ट 6 कल किया रात के अंदर, मैंने बहुत लेट अपलोड की थी वीडियो अराउंड 10 o'clock, ज़्यादातर लोगों ने शायद नहीं देखी है, जाएं अभी अपने चैनल के ऊपर वीडियो सेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो वीडियोज़ आपको सबसे ऊपर वाली मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको शुरू से देखनी है सारी टेंसेस, सारी की सारी जो ग्रामर की वीडियोस, तो प्लेलिस्ट में जाएं, टोटल इंग्लिश ग्रामर बाय YET व्यू फुल प्लेलिस्ट, सारी की सारी वीडियोस पढ़ी है। तो कल हमने हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड, ये हमने वीडियो के अंदर सीखा, इसके ऊपर एरर सीखी, आज या कल मैं पार्ट 7 भी अपलोड करूँगा एरर्स का, ठीक है। चलिए चलिए, कह रहा इट इज़ वर्थ रिकॉलिंग, कह रहे ये बात है ना बिल्कुल कीमती है रिकॉल करने के, फिर से याद करने के, दैट वो ये कि द सेम कोर्ट, कह रहे यही जो खास कोर्ट है ना, यही वाली जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, ऑब्जर्व्ड, इसने ही ऑब्जर्व किया इन इट्स 2013 ऑर्डर, इसके 2013 के ऑर्डर में, और कौन सा ऑर्डर था, रिस्ट्रेनिंग द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फ्रॉम इंपोर्टिंग अफ्रीकन चीटास इन कुनो मध्य प्रदेश, जो कि रोकने वाला था पर्यावरण मिनिस्ट्री को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, और किस चीज़ से, रिस्ट्रेन के बाद फ्रॉम आया ना, कह रहा फ्रॉम इम्पोर्टिंग, इम्पोर्ट करने से अफ्रीका के चीतों को कूनो नाम की जगह में मध्य प्रदेश के अंदर, तो कह रहा है ये रिकॉल करने वाली बात है कोर्ट ने जो 2013 में ऑर्डर दिया था। अच्छा, दैट वो ये क्या है कि देर आर मैनी सीरियसली थ्रेटन्ड इंडियन स्पीसीज, वहाँ पे हैं बहुत सारी वास्तव में सीरियसली थ्रेटन्ड, डेंजर के अंदर इंडियन स्पीसीज, भारत की नस्लें हैं, सच एज, जैसे कि एक तो ये लॉयन, दूसरी ये इंडियन ग्रेट बसर्ड, तीसरी बंगाल फ्लोरिकन, चौथी ड्यूगंग, पांचवी मणिपुर ब्रो अल्टर्ड डेयर, कह रहे ये सब की सब स्पीसीज विच डिजर्व, जो कि डिजर्व करती हैं, काबिल हैं इमीडिएट कन्वर्जन एक्शन की, एक ऐसे फटाफट से कंजर्वेशन के, प्रिजर्वेशन के एक्शन की, हरकत की। सेंटेंस देखो इतना लंबा है, ए यहाँ से लेके यहाँ तक, बड़ा सिंपल है, मैं आपको 10 सेकंड के अंदर फिर रिपीट करके दिखाता हूँ। फिर से रिकॉल करने वाली बात है ये, फिर से हमें ध्यान देना चाहिए कि इसी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था 2013 के इसके ऑर्डर में, जिसमें इसने रिस्ट्रेन कर दिया था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को इंपोर्ट करने से अफ्रीका से चीतों को
कूनो नाम की जगह में मध्य प्रदेश के अंदर। और क्या ऑब्जर्व किया था कोर्ट ने, अब देखो दैट लगा के बता रहा है, वहाँ हैं बहुत सारी वास्तव में जोखिम के अंदर भारत की नस्लें, बहुत सारी नस्लें ऑलरेडी जोखिम में है। अभी ये सब इसने नाम बता दिए, ये सारी नस्लें, कह रहे विच डिजर्व, ये जो नस्लें हैं जो कि काबिल हैं फटाफट से कंजर्वेशन के, प्रिजर्वेशन के एक्शन की, फटाफट से इनको आपको बचाने की कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब अफ्रीका के चीतों को अपने गले में मत डालो, जो आपके प्रॉब्लम्स पहले से है ना उनको सॉल्व करो, फिर अफ्रीका से चीतों को लेकर के आना, है ना। वैसे जो अपने सीए के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी यही है ना, पहले देश के अंदर नौकरियां दो, लोगों को रोजगार दो, फिर बाहर से लेकर के आओ हिंदू मुस्लिम किसी सिख ईसाई को और बोलो कि ये हमारा भाई है, ठीक है। चलो कह रहा है एनी मूव टू रीवाइल्ड इंडिया थ्रेटन्ड नेचुरल स्पेसिस विद चीतास, कह रहा है कोई भी मूव रीवाइल्ड करने का, देखिए वाइल्ड क्या होता है जंगली, रीवाइल्ड मतलब फिर से किसी चीज़ को जंगली बनाना, रीवाइल्ड करते हो ना जब आप तो अपने जंगलों के अंदर और जानवरों को छोड़ देते हो, विल्डरनेस को बढ़ा देते हो। कह रहा कोई भी हरकत और जंगलीपन लाने की इंडिया के पहले से ही चुनौतीपूर्ण थ्रेटन्ड जो जोखिम में नेचुरल स्पेसिस में प्राकृतिक जगहों पे, जंगलों में जो है सेंचुरीज में, कह रहा है विद चीता, रिवाइल्ड कैसे करेंगे चीतों के साथ, कह रहा है अब देखो चीता के बारे में कह रहा है विच रिक्वायर, जिनको जरूरत होती है लार्ज ग्रासलैंड रेंजेस की, बहुत बड़े घास के मैदानों की रेंज की, है ना। और कह रहा है ये मूव है ना, अब देखो यहाँ चीतों की बात होगी खत्म, ये मूव शुड कंसीडर, इसको कंसीडर करना ही चाहिए द वायबिलिटी प्रैक्टिकेबिलिटी की, व्यवहारता की, और किसकी ऑफ सच ए प्रोग्राम, ऐसे एक प्रोग्राम की। आज मैं वायबिलिटी जो है ना वर्ड को आपको समझा के ही मानूंगा, बहुत लोगों को इसमें जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, सेंटेंस समझ गए ना। कोई भी मूव चीतों को ला करके जंगली पना बढ़ाने में इंडिया के जोखिम भरे नेचुरल स्पेसिस में, और ऐसे चीते जिनको बड़े सारे ग्रास लैंड की, घास के मैदान की जरूरत होती है घूमने फिरने के लिए, इस मूव को समझना ही चाहिए वायबिलिटी को ऐसे एक प्रोग्राम की। अब देखो वायबिलिटी क्या होती है, मैं आपको बोलूं सामने एक टाइगर खड़ा है, जाके दो दो हाथ कराओ उससे, है ना। मैं ये नहीं कहता आप कमज़ोर हो सकता है आप टाइगर को मार रहे हो, मैं नहीं कहता आप जो है नहीं मार के आओगे, पर ये क्या वाइबल बात है क्या, बात ही सही है क्या, ये बात प्रैक्टिकल है क्या, नहीं है। कभी भी इंसान को चीतों से लड़ना होता है तो उसको क्या करना होगा, अपने साथ में फायर आर्म्स ले जाने होंगे, एक नहीं जाएगा पांच जाएंगे, राइफल नहीं होगी उनके, बंदूक नहीं होगी उनके हाथ में, राइफल होगी, है ना, बड़े बड़े फायर आर्म्स लेकर के चीतों का मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं अगर प्रैक्टिकेबिलिटी की बात करूँ ना, प्रैक्टिकल कितनी है ये चीज़, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। इसलिए मैं बोलूँगा कि फेसिंग अ टाइगर विदाउट अ वेपन इज़ नॉट अ वाइबल ऑप्शन, टाइगर को फेस करना एक वेपन के बिना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, व्यवहारिक ऑप्शन नहीं है, फिजिबल ऑप्शन नहीं है, वाइबल ऑप्शन नहीं है, प्लॉजिबल ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपके सारे वर्ड्स क्लियर हो जाने चाहिए, समझ गए मेरी बात को। वाइबल हर वो चीज़ है जो प्रैक्टिकल है और वो चीज़ जो फिजिबल है, ये इसका सिनोनिम है वाइबल का, और इसका तीसरा सिनोनिम है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल को आप पॉसिबल भी बोलते हैं, वैसे पॉसिबल हर चीज़ पर थोड़ा सा रिलेटेड है ना, प्लॉजिबल मतलब पॉसिबल। तो वाइबल हर वो चीज़ है जो प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, फिजिबल है, प्लॉजिबल है, इस तरह से इस वर्ड को याद रखें। अब कन्फ्यूजन नहीं हो आपको, क्योंकि वर्ड ऐसा ही कन्फ्यूजन करने वाला, आप इसका मतलब पढ़ लेंगे पर समझ नहीं पाएंगे इसको। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, ध्यान देना इन चीज़ों को, यही मैं क्विज में पूछ लूंगा, फिर आप बोलोगे सर तब तो हमने देखा नहीं। कह रहा मैन मेड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मैन एनिमल के जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, आदमी और जानवर की जो लड़ाइयाँ हैं, कह रहा इज एन एरिया ऑफ कंसर्न, वो एक एरिया है कंसर्न का, चिंता का। कह रहा एज, जैसे कि अ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन लीव्स चीक बाय जॉल विद टाइगर्स, एक ग्रो करती हुई लगातार बढ़ती हुई आदमी की आबादी रहती है बिल्कुल नज़दीक चीतों के, और किनके, लेपर्ड्स के, और किनके, लॉन्ग रेंजिंग क्रीचर्स, लंबी लंबी रेंज वाले जानवरों के, सच एज जैसे कि एलिफेंट्स। समझ गए मेरी बात को, तो ये भी हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, जहाँ जानवर जो है आदमी के साथ लड़ते हुए हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। सब्जेक्ट इसकी वर्ब, सब्जेक्ट इसकी वर्ब। चीक बाय जॉल क्या होता है, देखो अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। चीक मतलब गाल, चीक्स तो आप जानते हैं ना गाल, जॉल क्या होता है आपके अंदर का, जबाड़े का अंदर का हिस्सा, जॉ ही बोलते हो इसको, जॉल मतलब जबाड़े का अंदर का हिस्सा, आपके गाल बाहर, जबाड़े का अंदर का हिस्सा जो है अंदर, दोनों चीज़ें कितनी नज़दीक हैं, देखा जाए तो बैक टू बैक है ना, आपस में जुड़ी हुई है, मतलब एकदम नज़दीक है, वेरी क्लोज है, इसी का यही मतलब होता है चीक बाय जॉल का। जब कोई चीज़ चीक बाय जॉल होती है ना आपके, तो मतलब आपके वेरी क्लोज है और आपके साथ ही रहती है ना, आज क्लोज नहीं है ये, हमेशा से आपके साथ है। तो यही है पॉपुलेशन जो है ना, वो चीक बाय जॉल रहती है जो ह्यूमन पॉपुलेशन इन टाइगर्स के, एलिफेंट्स के और लेपर्ड्स के। कह रहा वाइल्ड कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी, जहाँ कोर्ट ने
अपॉइंट कर दी है एक एक्सपर्ट्स की कमेटी को टू गाइड करने के लिए एंड डायरेक्ट द एक्सपेरिमेंट, और निर्देशित करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को. और एक्सपेरिमेंट कौन सा है? प्रपोज्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि प्रपोज्ड बाय है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसने इसका मसौदा रखा है. कह रहा है जहाँ कोर्ट ने अपॉइंट कर दी है एक कमेटी को, कह रहा है वहीं इट नीड्स, इसको जरूरत है किसको, इस जो है कोर्ट को, इट नीड्स, इसको जरूरत है एक ब्रॉडर और बड़ी साइंटिफिक इंक्वायरी की, वैज्ञानिक जांच की. किसके अंदर? इनटू द एडेड प्रेशर, उस एक्स्ट्रा प्रेशर के अंदर. कौन सा है? दैट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंट्रोड्यूस प्रेडेटर्स विल इम्पोज, जो कि एक छोटा सा ग्रुप है ना इंट्रोड्यूस प्रेडेटर्स का, इन शिकारी जानवरों का जिनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. कह रहा है विल इम्पोज, वो इम्पोज करेगा, जबरदस्ती लगा देगा ऑन एन इकोसिस्टम, एक पर्यावरण पे, इकोसिस्टम पे, हैबिटेंट पे. और देखो कैसे क्रूशली ऑन द प्रे बेस, खास करके या गंभीरता पूर्वक देखें, क्रूशली देखें तो उस शिकार के बेस पे, उन जंगली जानवरों पे जो शिकार बनते हैं, प्रे मतलब जिसको आप शिकार करते हो, विक्टिम होता है. कह रहा है दैट जो कि करंटली सस्टेन्स टाइगर्स एंड लेपर्ड्स, अभी भूख को शांत करता है, असिस्ट करता है, टॉलरेट करता है टाइगर्स को और लेपर्ड्स को. ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है पूरे एडिटोरियल का, तो ध्यान दो आप, ध्यान से आप देखोगे तो समझ जाओगे. कह रहे जहां कोर्ट ने ना अपॉइंट कर दी है एक एक्सपर्ट कमेटी को, वो गाइड करे और डायरेक्ट करे इस एक्सपेरिमेंट को, जिसको प्रपोज किया गया है, मसौदा रखा गया है जिसका, इस अथॉरिटी के द्वारा. कह रहे वहीं इस कोर्ट को जरूरत है और ज़्यादा साइंटिफिक इंक्वायरी करे, उस ज़्यादा प्रेशर के अंदर जो कि एक छोटा सा ग्रुप है ना इन इंट्रोड्यूस प्रेडेटर्स का, इन नए नए आने वाले जंगली जानवरों का, वो जो इम्पोज करेगा प्रेशर को, लगाएगा जबरदस्ती इकोसिस्टम पे, पर्यावरण पे, और खास करके लगाएगा उन जंगली जानवरों के बेस पे जो कि शिकार हैं, है ना, प्रे बेस मतलब जिसको खाया जाता है, उन खाए जाने वाले बेस के ऊपर, जो कि बेस ऐसा है अभी हाल फिलहाल सस्टेन करता है, असिस्ट करता है, पूरा पूरा है टाइगर्स और लेपर्ड्स के लिए. समझ गए? मतलब 50 हिरण है और रोज जो है उसमें 5 हिरण को टाइगर्स खा जाते हैं, है ना, 50 या 100 हिरण है, फिर नए हिरण जो है डियर्स हैं जो उनको पैदा होते हैं. तो मतलब आपको देखना है कि अब नए आप जो जानवर ला रहे हो वो भी तो किसी हिरण को खाएंगे ना, तो ऐसा नहीं हो पहले जो टाइगर और लेपर्ड था वो भूखा रह जाए, आपको ये भी इस चीज़ को देखना है. सब्जेक्ट वर्ब मिलाते जाएं, और इसमें देखने वाली जो चीज़ें हैं वो प्रेडेटर, प्रेडेटर क्या होता है? शिकारी जानवर. प्रेडेटर को इंसानों के लिए भी यूज़ करते हैं, पर उसका मतलब हो जाएगा दरिंदा, जैसे शक्ति कपूर को बोलती है ना हीरोइन मूवी के अंदर, दरिंदा बोलती है ना, तो प्रेडेटर भी बोल सकती है उसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो. वो प्रे आप जान गए, शिकार विक्टिम होता है. चलिए कह रहा है एनी अटेम्प्ट, कोई भी हरकत, अटेम्प्ट जो है कोशिश है, एट एक्सपेंसिव रीवाइल्डिंग, इस बड़ी महंगी रीवाइल्डिंग के ऊपर, रीवाइल्डिंग में पैसे तो लगेंगे ना, एक्सपेंसिव है. कह रहा है विल बी निगेटेड, उसको नकार दिया जाएगा. निगेट करने का मतलब क्या होता है? नकार देना. एक कदम आगे आए फिर उसको एक कदम पीछे खींच करके ले आए, वो एक कदम पीछे खींच ली जाएगी कैसे? बाय पैरेलल एफर्ट्स, उन कोशिशों के द्वारा जो कि हैं पैरेलल, पैरेलल मतलब बिल्कुल साथ साथ हैं आपके. और एफर्ट्स कहे गए हैं लिबरलाइज इकोनॉमिक क्लियरेंसेस, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, लिबरलाइज करने की, आसान बनाने की एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को. अभी आगे बताऊंगा मैं आपके क्या होती हैं. और ये क्यों है? फॉर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज के लिए जो खान, खुदाई और खनन में काम करती है, एक्सट्रैक्शन में काम करती है. और कहाँ पे? इन एंड अराउंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर और अराउंड, बाहर चारों तरफ. कह रहा कोई भी आप जो है ना अटेम्प्ट कर रहे हो रीवाइल्डिंग का, बड़ा एक्सपेंसिव सा, वो निगेट हो जाएगा. जो पैरेलल एफर्ट लग रहे हैं आसान बनाने के एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस को, इन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के लिए जो अंदर और बाहर है, चारों तरफ है जंगलों के. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आप समझ गए ना, कुछ कोयला निकालना है आपको, कॉपर निकालना है, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं. तो ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? ये गवर्नमेंट पे बार बार प्रेशर बनाती हैं कि आप हमें जंगलों के अंदर भी एक्सट्रैक्शन करने दो. गवर्नमेंट क्या कहती है? हम एनवायरमेंटल जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनकी एरियाज के अंदर आपको एक्सेशन नहीं करने देंगे. तो इनमें हमेशा लड़ाई चलती है, जंग चलती है. तो पैरेलल एफर्ट्स इस इंडस्ट्री के चलते रहेंगे, वो निगेट कर देंगे इस पूरे के पूरे अटेम्प्ट को, एक्सपेंसिव रिहैबिलिटेशन को, रिवाइल्डिंग को. एनवायरमेंटल क्लियरेंस हम जानते हैं, जब आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाती है तो आपको उस एरिया में काम करने की इजाज़त मिल जाती है किसी जंगल वंगल के अंदर. चले कह रहा मटीरियल एक्सट्रैक्शन इंक्लूडिंग मिनरल्स इज गोइंग ऑन क्लोज टू प्रोटेक्टेड एरियाज. जो मटीरियल है, चीज़ों का एक्सट्रैक्शन है, जो चीज़ों की खुदाई है, जिसमें शामिल है खुदाई का, माइनिंग का काम भी, ये गोइंग ऑन है, ये अभी चालू है
क्लोज है बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया के जो है सारे के सारे एरियाज। कह रहा एंड फ्रेश रोड्स आर सॉट, नई नई सड़कें हैं मांगी जाती हैं, कोशिश की जाती है उनको बनाने की, किस चीज़ के लिए, टू बिल्ड बनाए जाने की थ्रू इवन टाइगर टेरिटरीज, यहाँ तक कि टाइगर के एरियाज में से भी, हैबिटेट में से भी, टेरिटरीज में से भी, और कैसे, मेकिंग प्रिस्टीन रिवाइल्डिंग एंड इनकॉन्ग्रेस कॉन्सेप्ट, बनाते हुए इस बहुत पुराने रिवाइल्डिंग के कॉन्सेप्ट को इनकॉन्ग्रेस, इनकॉन्ग्रेस मतलब बेमेल बेतुकासा। अब देखो सेंटेंस लंबा है, समझा देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मटेरियल एक्सट्रैक्शन का काम है जिसमें शामिल है माइनिंग भी, वो चालू है अभी बिल्कुल नज़दीक प्रोटेक्टेड एरियाज के, और जो फ्रेश रोड्स हैं वो शॉर्ट होती हैं, मांगी जाती हैं बनाई जानी, यहाँ तक कि टाइगर की टेरिटरीज के अंदर भी, बनाते हुए इस प्रिस्टाइन बहुत ही पुराने रिवाइल्डिंग के कॉन्सेप्ट को, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बेमेल है आज की डेट में, इनकॉन्ग्रेस है, बेतुका है, असंगत है। समझ गए तो देखने वाले वर्ड्स देख लो सारे के सारे। टेरिटोरी आप जानते हैं, रीजन एरिया हैबिटेट मैंने आपको बताया था, टेरिटोरी होती है। प्रिस्टीन मतलब एंटीक, वो ये प्रिस्टीन ही है, ये ओल्ड या एंशियंट बोल दो। इनकॉन्ग्रेस जो अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा, इनकॉन्ग्रेस जो एंगल्स कौन से होते हैं, बेमेल होते हैं, असंगत कौन होते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो आप इसको अनफिजिबल बोल दो, नॉन वाइबल बोल दो, इनएप्रोप्रिएट बोल दो, है ना। अब ये मेकिंग यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है जो आपने दो तीन दिन पहले मेरे साथ देखा था, हैविंग माई डिनर या ईटिंग माई फूड, आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो वैसे ये मेकिंग प्रिस्टाइन रिवाइल्डिंग एंड इनकॉन्ग्रेस कॉन्सेप्ट, फ्रेश रोड्स आर सॉट टू बी बिल्ड, ऐसे बना हुआ है। कह रहे मोर ओवर, इससे भी ऊपर की बात, ये चीतास आर जेनेटिकली फ्रजाइल एंड लूज कब्स, चीते हैं ना वो जेनेटिकली बहुत कमज़ोर होते हैं, फ्रजाइल होते हैं, और लूज कर देते हैं, खो देते हैं अपने बच्चों को, इन अ लिटर, एक बच्चों के ग्रुप में, प्री मैच्योरली बहुत पहले ही, तो ऐसा वो काम करते हैं, और कैसे करते हैं, अफेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वाइबल पॉपुलेशन, बुरा असर डालते हुए एस्टेब्लिशमेंट पे, स्थापना पे एक ऐसी पॉपुलेशन की जो प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकल हो, वाइबल हो, फिजिबल हो, समझ गए, मतलब चीते बड़े कमज़ोर होते हैं, अपने आप को बचाव नहीं कर पाते हैं और बड़ी जल्दी अपने बच्चों को खो देते हैं लिटर के अंदर। ये लिटर वर्ड को नोट करें, ये पानी वाला लिटर नहीं है, ये लिटर है वन वर्ड, इसका मतलब होता है किसी जंगली जानवर के या कोई भी जानवर उसके बच्चों का एक ग्रुप जो एक साथ पैदा हुए हों, है ना, जैसे किसी पिग के 16 बच्चे हों, किसी जो है लायनस के 4 जो है उसके कब्स हों, तो उसको सबको क्या बोलते हैं, ग्रुप को हम बोलते हैं लिटर, वन वर्ड है। ये अफेक्टिव भी यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज है, ऐसा करते हुए चीता जो होते हैं फ्रेजाइल, है ना, ऐसा करते हुए। कह रहा रिस्टोरिंग इकोलॉजी एंड डिवर्स स्पीसीज कैन नॉट बी ए सीरियस गोल, रिस्टोर करना, फिर से पुरानी हालत में लाना, री प्लस में स्टोर, फिर से पुरानी हालत में लाने का जो काम है ना इकोलॉजी को, हमारे पर्यावरण को, और इस विविध स्पीसीज को, है ना, अलग अलग प्रकार की नस्लों को, कह रहा कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, एक सीरियस गोल, एक गंभीर सा आपका लक्ष्य है, और क्यों, इन द एबसेंस ऑफ, ना मौजूदगी में आयरन क्लैड प्रोटेक्शंस, ऐसी प्रोटेक्शन हिफाजत की जो आयरन क्लैड है, आयरन मतलब लोहा, क्लैड मतलब आपका कवच, लोहे जैसी मजबूत, है ना, लोहे जैसी मजबूत हिफाजत की जो है एब्सेंस के अंदर, नामौजूदगी के अंदर सीरियस गोल नहीं हो सकता। अब ये हिफाजत किन किन को है, एग्जिस्टिंग जो भी हाल में पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, अभ्यारण्य हैं, और माइग्रेटरी कॉरिडोर्स हैं, ऐसे गलियारे जहाँ पे विदेशी पक्षी हर साल आकर के खाना खा करके चले जाते हैं, एंड बफर एरियाज, ऐसे एरियाज जो कि बफर हैं, दो जंगली जानवरों के बीच की टेरिटरी है जहाँ के अंदर दोनों जानवर नहीं आते। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिस्टोर करना इकोलॉजी को, फिर से वैसा बनाना, डाइवर्स स्पीसीज को, नहीं हो सकता एक सीरियस गोल इन सब चीज़ों के एब्सेंस के अंदर, और ये सब चीज़ें क्या हैं, लोहे जैसी मजबूत प्रोटेक्शन है, और ये प्रोटेक्शन किन चीज़ों को है, ऐसे एरियाज, ऐसे पार्क्स को जो भी मौजूद हैं, ऐसी सेंचुरीज को, अभ्यारण्य को, और ऐसे कॉरिडोर्स को जो माइग्रेटरी हैं, जहाँ पे बाहर से जंगली जानवर आते हैं हर साल, और ऐसे बफर एरियाज जो दो जंगली जानवरों के बीच में होते हैं ताकि वो आपस में ना लड़ें, है ना, यहाँ पे आप जो है बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इनको जो है रिस्टोर करना। करें प्रिजर्विंग वाइल्ड स्पेसिस विद सर्वाइविंग स्पीसीज शुड बी द फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटी, प्रिजर्व करने का जो काम है जंगली स्पेसिस को, वाइल्ड स्पेसिस को, सर्वाइविंग स्पीसीज के साथ में, ऐसी नस्लों के साथ में जो भी जिंदा है, शुड बी वो होना ही चाहिए, या मस्ट बी वो होना ही चाहिए फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटी, पहले दर्जे की प्राथमिकता, है ना, तो पहले जो जिंदा है उनको बचाओ, फिर कहीं बाहर से लाओ और उनको बसाओ, कहने का मतलब एडिटोरियल का ये। फटाफट से इसके क्विज को सॉल्व करें,
प्रॉबेबली शाम को 8 बजे मैं आपके लिए वीडियो जो है क्विज की उसके सॉल्यूशन के साथ अपलोड करूंगा। 5-7 मिनट के अंदर सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा ताकि आपको डेली डोज मिलती रहे आपके एग्जाम का लेवल का जो है ना इकोलॉजी जो एनवायरनमेंट है अपने क्रिएट करना चाहते हैं इस इन वीडियोस के जरिए। अच्छा लगा हो तो लाइक दें, शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, बताएं लोगों को जिनको ज़रूरत है ना उनको बताएं कि इस तरह से एक एडिटोरियल आता है YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे जिसके अंदर आपको वर्ड टू वर्ड ग्रामर वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन बताते हैं सर, साथ में आपको एक क्विज भी देते हैं और उसको शाम को भी सॉल्व भी करवाना शुरू कर रहे हैं। जब आप बताएंगे ना तभी उनको पता लगेगा ऐसा कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, क्योंकि जनरली पेड कोर्सेज में अवेलेबल होता है, यूट्यूब पर आप नहीं देखोगे ना, लोगों ने अपनी ऐप बना रखी है वहाँ पेमेंट करोगे तभी आपको ऐसा जो है कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। फिर इजाजत लूंगा प्रोबेबली शाम की वीडियो में और कल सुबह के एडिटोरियल के साथ, दे तब तक के लिए इजाजत, साइनिंग आउट।